ولعنان الثناء إليه ثانية وعلى أفضل رسله محمد وآله وأصحابه مصليا وفي حلبة صلوات مجليا ومصليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बावाज़े बुलंद मोहब्बत से ज़ोक शोक इबादत नजात और बख्शिश की उम्मीद से दूसरी पढ़ लीजिए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض طه سے آیا تیری سیرت کا قصیدہ طه سے آیا تیری سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو عظمت شاہ ابرار قرآن سے پوچھو کتنا ہو سرکار دو عالم کی سیرت پہ عمل یہ با ذرا اپنے ایمان سے پوچھو سرکار دو عالم کی طاعت کا طریقہ ابو بکر عمر حیدر و عثمان سے پوچھو انتہائی واجب الاحترام محترم سامعین کرام کافی وقت بیت چکا ہے ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تذکرے کے لیے ہم جمع ہیں ویسے بھی شب جمعہ ہے جون جون سرکار دو عالم کا نام آئے اپنی زبانوں پہ درود و سلام کے ترانے سجائے رکھے میرے لیے الحمدللہ سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات سے ملاقات کے بہانے استاذ محترم استاذ العلماء والحفاظ حضرت اقدس استاذی
मौलाना गुलाम शब्बीर साहेब दामत बरकात मुलालिया, उनकी सरपरस्ती में सबक सुनाने का अल्लाह ने मौका नसीब फरमाया। आज की कॉन्फ्रेंस का उन्वान साहिब कुरान है। उसने इत्तिफाक है कि इस रबीउल अव्वल में तकरीबन 6 या 7 हाजरियां चिन्योड़ के इलाके में हैं, चंद चंद वक्त दिनों के वक्फे से। अभी आपने ऐलानात सुने और अक्सर जलसों का मौजू मेरे जिम्मे कुरान और साहिब कुरान ही लगाया गया। आज कुरान करीम खोला जोहर के सबक के बाद, तो मैंने अल्लाह से दुआ की कोई नया मौजू अल्लाह जहन में डाले। मेरा साथी कह रहे मौलवी यार एक तकरीर रटी, तो अल्लाह ताला ने एक बात जहन में डाली है। दुआ फरमाएं इस उनवान के मुताबिक मुझ नचीज तालिब इल्म को शरह सदर से अल्लाह लब कुशाई की तौफीक नसीब फरमाए। अजीज दोस्तों, उनवान है कुरान और साहिब कुरान। कुरान वाले नबी की शान आज कुरान की जुबान से सुनते हैं। दुनिया में किसी भी शख्सियत का तारुफ उसके मोतमद तरीन दो ही जरिए, नंबर एक, या उसका तारुफ वो जात जानती है जिसने उसको वजूद बख्शा, वो क्या है वो सही बता सकते हैं, उन्होंने उन्हें क्या बनाया है, या फिर उसके तारुफ का मजबूत तरीन जरिया असबाब के दर्जा में वो आंखें हैं जिन्होंने उसके रुख की जियारत की है। अगर बनाने वाली जात तारुफ करवाए तो इस तारुफ का नाम कुरान बनता है, और वो आंखें जिन्होंने रुखे मुस्तफा को देखा और देखकर कमली वाले की तस्वीर खींचे तो इस तारुफ का नाम हदीस बनता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ आपकी सीरत इस कायनात में दो अजीम तरीन मरकज है, दो अजीम तरीन हवाले और मजबूत हवाले, एक कुरान का है दूसरा अहादीस का है। हर हदीस को नकल करने वाला पैगंबर का कोई ना कोई सहाबी है। आज की गुफ्तगू कुरान करीम को सामने रखकर चंद एक आयात कुरान करीम की आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, वगरना उलमा समझते हैं एक एक आयत ऐसी है कि उस पर घंटों गुफ्तगू हो, सिर्फ खुशबू सूंघते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज उस जरिए से करता हूं जिन आंखों ने रूहे मुस्तफा को देखा और देख के उसे ताबीर यू किया। अम्मा जी बताओ, आप आका की जलवत और खलवत से वाकिफ हैं, आपने नबी की घर की जिंदगी को देखा, नबी की रातों की इबादत को देखा, हुजूर के दिन की मेहनत को देखा, हुजूर के रुकू और सुजूद और क्याम को देखा, किरात और तस्बीह और तहलील को देखा, मेरे नबी का शान क्या है। अम्मा जान फरमाने लगी खुलुकुल कुरान, हुजूर की शान समझनी हो कुरान पढ़ते जाओ, मुस्तफा की शान को समझते जाओ। मेरी माँ के इन जुमलों में इतनी जामियत है, 1450 साल तक बड़े बड़े लोग आए कुरान से हुजूर की शान के मोती निकालते रहे, कोई नहीं कह सका मैंने नबी की सीरत का हक अदा कर दिया। आई अपनी माँ के इन जुमलों को सामने रखते हुए चंद एक मोती आपके गोश गुजार करने लगा हूं कि कुरान करीम मेरे नबी के किन औसाफ को बयान करता है। वैसे तो कुरान की जिस आयत को देखें, कुरान की जिस रुकू को देखें, जिस सूरत को देखें, हर हर आयत मुख्तलिफ नौइयत के एतवार से, मुख्तलिफ उनवानात के एतवार से मेरे नबी की सीरत के किसी ना किसी नक्शे को बयान करती है। कुरान करीम जब खोलता हूं 30 सिपारों में पहले सिपारे से पूछा, मेरी माँ आयशा बता के गई है सलामुल्लाही अलैहा कि सारा का सारा कुरान मेरे नबी की सीरत का
सबसे बड़ा मोतमद तरीन जरिया है कुरान के पहले सिपारे। मुझे मेरे नबी का शान बताओ, तो पहला सिपारा नबी का उस शान को बयान करता है जब बैतुल्ला की तामीर करने के बाद अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मजदूरी की तौर पर मेरे और आपके नबी को मांग के कहा, रब्बाना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इस आयत में आमद मुस्तफा का तस्करा भी है, नबी की आमद के मकासिद का तस्करा भी है, एक लंबा उन्वान है, नबी की सीरत का एक अनोखा पहलू ये न समझ आया। हजरत आदम से ईसा जितने पैगंबर भी दुनिया में आए, किसी नबी की आमद के लिए किसी साहिब शरीयत के हाथ नहीं उठे, अल्लाह फुला नबी को दुनिया में भेज। आप समझते हैं जो चीज मांग के ली जाए उसकी कदर ज्यादा होती है, जो चीज तड़प करके ली जाए उसकी मंजिलत ज्यादा होती है। हजरत आदम से ईसा किसी पैगंबर को नहीं मांगा गया, अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मांगा तो औलाद की जरूरत समझ के मांगा, रब्बी हबली मिनस सालिहीन कहा, अल्लाह मुझे औलाद दे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अगर अल्लाह से अपने बेटे हजरत यहया को मांगा तो औलाद की जरूरत समझ के मांगा, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, इन्हें औलाद की जरूरत समझ के मांगा गया, ज़ुर्रियत की जरूरत समझ के मांगा गया, रिसालत की जरूरत के लिए नहीं मांगा गया, नबुव्वत की जरूरत के लिए नहीं मांगा गया, अल्लाह की तौहीद के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए नहीं मांगा गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से वो मोती मांगा। मुझे याद आए खतीब यूरोप एशिया मेरे मसलक का एक बड़ा नाम मौलाना जियाउल कासमी रहिमहुल्लाह तआला अपने वजद आफरी लहजे में फरमाया करते थे, इब्राहिम तूने अल्लाह से क्या मांगा, अल्लाह से सिर्फ मांगा ही नहीं तू ते रब दे खजाने नू हाथ पा लिया, तूने आज वो मोती मांगा जो अल्लाह की खुदाई में एक है, सारी कायनात रब से मांगे और ये कहे अल्लाह तू फुलां दे, जिन्नो इंस मांगे चरिंद परिंद मांगे हैवानात इंसानात मांगे तमाम इंसानियत की मांग पर अल्लाह उन्हें दे, अल्लाह की अता में इतनी भी कमी नहीं आती, अगर सुई को समंदर में डुबो कर निकाला जाए शायद एक कतरे की कमी आए, अल्लाह सारी इंसानियत को दे उसके खजाने में इतनी भी कमी नहीं आती, लेकिन आज मैं तेरा खलील बैतुल्ला की तामीर के बाद तुझसे वो मोती मांगने लगा हूँ जो तेरी खुदाई में यकता है, जो दुर्रे मुनफरिद है, जो कामयाब नहीं नायाब है ना मिलने वाला है, जिसके बाद तेरी खुदाई में दूसरा है ही कोई नहीं, मोहम्मद साहसी खुदा की खुदाई में दूसरा कोई नहीं, वो हर ऐप से पाक है, हर सूरत में बेमिसाल है, जवानी में बेमिसाल, बुढ़ापे में बेमिसाल, बचपन में बेमिसाल, इलम में बेमिसाल, हिलम में बेमिसाल, इबादत में बेमिसाल, शराफत में बेमिसाल, दियानत में बेमिसाल, तबलीग में बेमिसाल, जिहाद में बेमिसाल, रोने में बेमिसाल, मुस्कुराने बेमिसाल, अलगरज जिंदगी के हर हर हिस्से में जो बेमिसल और बेमिसाल हो, उस हस्ती को खलीलुल्लाह ने अल्लाह से मांग के लिया। मेरे नबी की अजमत ये समझ आई, जितने भी नबी आए बिन मांगे आए, खुदा की खुदाई में एक मुस्तफा है जो बिन मांगे नहीं आया, मांगा हुआ आया। मैं सात जुमला मोतरजा के तौर पर एक जुमला रस करने लगा हूं, जैसे मेरे नबी का ये एजाज है कि इन्हें खलीलुल्लाह ने मांगा और ये मांगे हुए आए, सफे अंबिया जमाते अंबिया ताफे नबुव्वत में ये एजाज सिवाय हुजूर के किसी और को नहीं मिला। चनियोट के मुसलमानों, अंबिया के बाद तबकाए सहाबा में जमाते सहाबा में ये एजाज सिरो खताब के बेटे फारूक आजम को मिला है, जैसे सब अंबिया बिन मांगे आए मेरा नबी मांगा हुआ आया, ऐसे हर सहाबी बिन मांगे आए। उमर वो है जो नबी के मुरीद नहीं, वो मुरादे नबूवत बन के आया। फिर ये भी एजाज है जिस जगह पे खड़े होके
खलीलुल्लाह ने अल्लाह से हबीबुल्लाह को मांगा, उसी जगह पे खड़े होके हबीबुल्लाह ने रब से उमर को मांगा। हजरत फारूक आजम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, दौरान तवाफ, तवाफ को मुकम्मल करने के बाद मकाम इब्राहिम के पास खड़े हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आका जान, उमर के दिल में ख्वाहिश है। उमर, क्या बात है हुजूर, ये वो जगह है जहां पे खड़े होके खलीलुल्लाह ने अल्लाह से आपको मांगा। हाँ उमर, ऐसा ही है। फिर आपने इसी जगह पे खड़े होके अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम भी उमर इब्न खत्ताब कह के रब से उमर को मांगा। हाँ उमर, ऐसा ही है। अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, लियुख्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, मैं अंधेरियों से निकल कर तौहीद के उजाले में आया हूँ। अल्लाह के नबी, मैं शिरक से निकल कर तौहीद के चाशने में आया हूँ। अब उमर का दिल करते यहीं पे खड़े होके अल्लाह के हुजूर दो रकत शुक्राने के अदा करके मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, अल्लाह ने नूरे नबुव्वत की रोशनी से मुझे मुस्तफीज किया है। नबी खामोश है क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं बोलते। नबी का बोलना वो खुदा की मर्जी से है, नबी की गुफ्तार वो अल्लाह की मर्जी से है। उमर, मैं कैसे कहूँ, अभी आर्डर नहीं आए। इधर उमर के दिल में ख्वाहिश आई, उधर से अल्लाह ने जिब्रील को कहा, जिब्रील लबई के या जलील, फरमाया जाओ कुरान लेके जाओ, जो ख्वाहिश उमर की आज फर्श पे है वही राय अल्लाह की अरशों पे है। उमर की राय के मुताबिक कुरान उतरा, फरमाया वत्ताखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, उमर की ख्वाहिश नहीं रहेगी, आप उमर की ख्वाहिश मैं कुरान की आयतें बना दूंगा, मैं उमर के जज्बे को शरीयत का हिस्सा बना दूंगा। क़यामत की सुबह तक हाजी आए, मोहतमीर आए, जो भी आए, जब तक उमर की ख्वाहिश के मुताबिक दो रकत अदा नहीं करेगा, उसके हज और उमरे को मैं मुकम्मल नहीं करूंगा। जिसकी राय पर, जिसकी राय पर कुरान उतरे, जिसकी राय पर शरीयत उतरे, जो दिल में ख्वाहिश करे और शरीयत बन गए, क्या उस उमर में ईमान नहीं था? वो थोड़ा जा बोलो यार, ईमान था कि नहीं? आज के चूड़े चमड़े को नजर आया उमर में ईमान नहीं? अरे पगले, अल्लाह ने उमर के नाम रख के बता दिए, उमर ही से इस्लाम की उमर है, उमर से इस्लाम की उमर है। यही वजह है चिल्ला हजरत उमर से इस्लाम का पूरा हुआ। 39 सहाबा के बाद मेरे नबी ने दुआ मांगी, सुबह को उमर गुलाम बन के कदमों में आया, इस्लाम का चिल्ला पूरा हुआ। यूं कह लो, अल्लाह ने मेरे नबी की दुआ को पूरा किया। हुजूर की दुआ का मतलब ये था, अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम भी उमर अब्दुल खत्ताब, अल्लाह इस्लाम की उम्र के लिए मुझे उम्र दे दे, इस्लाम की उम्र के लिए। नबी ने जिस उम्र को मांगा उसी उम्र से इस्लाम की उम्र है, और आज उसी की उम्र है जिसके दिल में उम्र है। जिसके दिल में उम्र नहीं, वो लाख तरह गए, वो चलता फिरता खिंजीर की शक्ल में मुर्दा है, जिंदा वही है, जिंदगी उसी की है जिसकी उम्र में उम्र का है। और जिसकी उम्र में उम्र नहीं, वो चलता फिरता भी मुर्दा। सफे अंबिया में जो एजाज अल्लाह ने मेरे नबी को दिया, वही एजाज अल्लाह ने सफे सहाबा में हजरत फारूक आजम को दिया। तमाम सहाबा नबी के मुरीद बनकर आए, ये उमर है जो मुस्तफा की मुराद बनकर आए। आगे चलते, पहले सिपाही ने मुझे बताया नबी का शान ये है, यकीन जाने ये एक आए मुस्तकिल तकरीर है। हजरत फारूक आजम ने क्या मांगा, किस दुर्रे मुनफरिद को माना, किस मोती यकता को मांगा, जिस जैसा दूसरा अल्लाह की खुदाई में कोई नहीं। मैंने तिलावत करते हुए दूसरा सिपारा खोल लिया कि मेरी माँ ने कहा है, सारा का सारा कुरान मुस्तफा की सीरत है। दूसरे पारे, जरा तू भी तो तारुफ करवा, तो दूसरा सिपारा
मुस्तफा के चेहरे की रानाई को, नबी के चेहरे की कशिश को, नबी के चेहरे की तासीर को यूं बयान करते, कद नरा तकल्लुब वजही का फिस समा। मेरे नबी जी आपने चेहरा क्या आपको इतना पसंद आता है? सारी कायनात कहती है रब मेनू तक, अल्लाह मुझे दे। अगर अल्लाह की नजर तो जर्रे जर्रे पे है, लेकिन जिस मोहब्बत के साथ मुस्तफा तेरे चेहरे पे रब को नजर है, तेरे चेहरे को हम देखते हैं। अल्लज़ी यराका हीना तकूम व तकल्लुबुका फिस साजिदीन। नबी आपका उठना हमारे सामने, आपके सुजूद हमारे सामने, आपने चेहरा उठाया, रब कहते हैं कद नरा तकल्लुब वजही का फिस समा। चेहरा उठाना तेरा काम है, किबला बदलना रब का काम। बड़े इख्तिसार के साथ एक एक आयत मुस्तकिल तकरीर है, बस आपकी थकावट को सामने रखकर मौजू मैंने लंबा छेड़ दिए है। थोड़ी थोड़ी खुशबू सुंगा रहा हूं। तीसरा सिपारा, तू मेरे नबी की शान को बयान कर, तो तीसरा सिपारा कहते इन मक्के के लोगों को देखो, हुबल और लात को खुदा कह के कहते, ये हमारी खुदा तक पहुंचाते, हाउलाई शुफाउना इंदल्ला, ये अल्लाह तक हमारे सिफारशी। हम हुबल को, लात को, मनात को, उज़ा को इसलिए मानते ताकि हम अल्लाह के महबूब बन जाए। अल्लाह की महबूबियत को लेने के लिए लातो मनात को मानते। ईसाइयों को देखो, वो हजरत ईसा को खुदा का बेटा कहते, हजरत मरियम को खुदाई में शरीक करते, और फिर ईसाई ये कहते हम मसीह को खुदा इसलिए मानते ताकि अल्लाह के महबूब बन जाएं। यहूदियों को देखो, वो कहते थे हम अंबिया की औलाद हैं, हम अंबिया के बेटे, हम खुदा का कुंबा है, खुदा की औलाद है, अली आज़मिल्ला, हम अल्लाह की औलाद हैं, और ये दावा इसलिए करते ताकि हम अल्लाह के महबूब बन जाएं। अल्लाह ने इनके दावे को रद्द करने के लिए कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। ओ ईसाइयों, यहूदियों, मुशरिकों, अगर अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो तो उसकी कसवटी, उसका पैमाना इत्तिबाए मुस्तफा है। जो नबी के पीछे चलता है वही अल्लाह का महबूब बन जाता है। कुरान की इस आयत ने मुझे और तुझे उसूल बयान किया, अगर दुनिया का कोई शख्स हर नेक काम करके चाहता है मेरा रब राजी हो जाए, पर मैं अल्लाह को मनाना चाहते हो, इसका उसूल ये फत्ता भी उड़ी, मेरे नबी के पीछे पीछे चलो। यू नहीं है जिसका दिल करे जिस तरह की मर्जी इबादत बनाए, जिस तरह का मर्जी खुशी का तरीका बनाए, जिस तरह का मर्जी गमी का तरीका बनाए, उसको दीन के अंदर ठोंस ले, दीन के अंदर दाखिल कर ले। फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेहतर तरीका मेरे मोहम्मद का तरीका है, जिस तरीके पर मेरे नबी की मोहर होगी, जिस उसूल पर मेरे नबी की मोहर होगी, वही सजदा कबूल है, वही रुकू कबूल है। अगर कोई तरीका, कोई अकीदा, कोई खुशी का तरीका, गमी का तरीका, उस पे मेरे मोहम्मद की मोर नहीं है, वो नबी के साथ नहीं मिलता। वो लाख तरह का तू अच्छा कच्चा बना के ला, वो रद्दी की टोकरी में जाएगा, अल्लाह के हाँ वही अमल कबूल है। फत्ता भी उड़ी जिस अमल के ऊपर मोहम्मद की मोर लगी। तीसरे सिपारे थोड़ा सा और तारुफ करवा तो तीसरा सिपारा मुझे वो मंजर याद कराता है। वही आखद अल्लाह मीसाकन नबीयीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अभी कायनात नहीं बड़ी अंबिया के मजमा से खुद खुदा ने खिताब किया, उनवान उस वक्त भी साहिब कुरान की अजमत का था, मेरा रब मेरे नबी की तौसीफ बयान कर रहा है। अगर वो नबी आ जाए फिर तुमने अपने अपने कलमे नहीं पढ़ने, लतुमिनुन नबी ही वाला तंसुरुन्ना, उस पर ईमान भी लाना है, उसकी हिमायत और नुसरत भी करनी है। कुरान की आयत मेरे नबी के एजाजी वस्त को बयान करती है, हर नबी का कलमा सिर्फ उसकी उम्मत ने पढ़ा है। मेरे नबी तो वो है जिसका कलमा उम्मतों ने नहीं पढ़ा, खुद नबुव्वतों ने पढ़ा है, जिसकी इक्तिदा में अंबिया भी पीछे खड़े हो, जिसकी इक्तिदा में आदम से ईसा सब पीछे हाथ बांध के खड़े हो, उसी हस्ती को मोहम्मद मुस्तफा कहते। मैंने चौथे सिपारे को खोला, मेरी माँ जो कह गई है सारा का सारा कुरान नबी की शान है। चौथे सिपारे तू मेरे नबी का शान तो बयान कर, तो चौथा सिपारा कहते वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। याद रखो कि मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के रसूल है, वो खुदा नहीं है। अल्लाह ने पहले से हुजूर के सहाबा को ट्रेनिंग दे दी, पहले से तैयार कर दिया, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत के तहत एक वक्त आएगा हुजूर भी मौत के जाम को नोश फरमाएंगे, हुजूर भी आर्जी पर्दा फरमा कर इस हयात से अगली हयात में तशरीफ ले जाएंगे। लेकिन ये ना हो नबी के पर्दा फरमाने के बाद तुम नबी के दीन से हट जाओ, तू नबी की शरीयत से हट जाओ और कल को किसी काने को उंगली उठाने का मौका मिले। अल्लाह ने पहले से बता दिया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये अल्लाह के रसूल है, अल्लाह नहीं है, ये खुदा के रसूल है, खुदाई में शरीक नहीं है, ये खुदा के रसूल है, अल्लाह की तरह हाजत रवा नहीं है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह की तरह बिगड़ियां बनाने वाले नहीं है, वो एक ही जात है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल नबी के वस्फे रिसालत को किस ठाट और शान के साथ चौथे सिपारे ने बयान किया। आगे मैंने पांचवा सिपारा खोला तो पांचवा सिपारा मेरे नबी की हाकमियत को बयान करके कहते फला वरबी का ला युमिनून हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम, साद रखो कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता, मुसलमान नहीं बन सकता जब तक वो नबी के फैसले को दिलो जान से तस्लीम ना करे। ये आयत कुरान की पढ़ रहा हूँ, पांचवा सिपारा सुना रहा हूँ, मैं आपके सामने मौलाना हकनवाज जंगवी का फतवा नहीं सुना रहा, मैं आपके सामने शुहदाए नमूसे सहाबा की शहादत की वजह नहीं बयान कर रहा, मैं आपके सामने कुरान की आयत बता रहा हूँ। आज से 1450 साल कबल जब कुरान उतर रहा था तो कुरान ने साहिब कुरान के इस वस्त को यूं बयान किया, याद रखो फला व रब्बी का, अल्लाह ने कसम खा के कहा तेरे रब की कसम ला युमिनूना, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता हत्ता युहक्की मुंह का जब तक नबी को फैसले को तस्लीम ना कर ले, हुजूर को हाकिम ना बन जाए, फिर मान जा। अगर सिद्दीक को मुसल्ला दिया तो ये फैसला मुस्तफा का, अली को तलवार ली ये फैसला मुस्तफा का, ये मेरे नबी का फैसले, जिसे चाहे मुसल्ला दे, जिसे चाहे फातह खैबर बनने के लिए खैबर के मौका पे तलवार दे, जिसे चाहे लुआब एड़ी पे लगाए, जिसे चाहे लुआब आंखों पे लगाए, ये नबुव्वत का फैसला, जिसे चाहे मुसल्ला दे, जिसे चाहे इमामत दे, ये नबुव्वत का फैसला, इससे बढ़कर कहूंगा ये मेरे नबी का फैसला, जिसे चाहे बेटी ले, जिसको चाहे बेटी दे, नबी का बेटी लेना ये नबुव्वत का फैसला, किसी को बेटी देना ये नबुव्वत का फैसला, किसी को दामाद बनाना, किसी का दामाद बनना, किसी का ससुर बनाना, किसी का ससुर बनना, ये आज का नहीं नबुव्वत का फैसला। वो जो नबी के फैसले को तस्लीम ना करे, कुरान कहते रब की कसम वो काफिर हो सकता है, दज्जाल हो सकता है, काज़िब हो सकता है, परले दर्जे का लानती हो सकता है, वो ईमान वाला, ईमान वाला। फला व रब्बिक तेरे रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फी मा शजरा बैना। बहुत दिल करता है इस आयत को खोल आ जाए, कभी इसका पसे मंजर देखो तो फारूक आजम की अजमत खुल के सामने आ, जब बिशर नामी मुनाफे की गर्दन को उड़ाया, तू मेरे नबी के फैसले को नहीं मानता, शोर उठ गया, किसास किसास, सहाबा परेशान है, आश अन्न नफ्स बिल नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अन्फ बिल अन्फ वल उज़्न बिल उज़्न वस सिन बिस सिन वल जुरूह किसास। इस उसूल के तहत फर्द के बर्दे में फर्द जाए, गर्दन के बर्दन में गर्दन काटी जाए, तो क्या एक मुनाफिक के बदले में आज उमर की गर्दन कटेगी? आज भी सहाबा परेशान थे, इंतजार में थे, होगा क्या, क्या अल्लाह शरीयत के जाब्ते को दोबारा बदल देंगे? पहले ऐलान हो चुका है जान के बदले में जान जाए, और फारूक आजम मुनाफे की गर्दन को उड़ा चुके, जिसने नबुव्वत के फैसले को तस्लीम नहीं किया और फारूक आजम से फैसला करवाने के लिए आए। लेकिन अब भी जब कुरान हुआ तो उमर की राय के मुताबिक कुरान उतरा है, अल्लाह ने तायीद कर दी। उमर से ज्यादा सच्चा कौन है? फरमाया जो उमर का मशवरा है, अल्लाह कहते हैं वही मेरा मशवरा है। गुस्ताख नबी की एक ही सजा है, उसकी गर्दन को तान से
छठे सिपारे तू बता, सब कुछ छोड़, थोड़ी थोड़ी सैर कर, मुझे नबी का शान बता। तो छठा सिपारा जिस कमाल के मौजू को बयान करता है, क्या गुफ्तगू है। फरमाया अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कभी उलमा से पूछिए कौम का मुखातिब कौन है, ज़मीर जमा मुज़क्कर हाजिर है। मैंने अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया तुम सब के लिए, तुम सब के दीन को। मुझे बताओ उस वक्त नबी का कलमा पढ़ने वाले कौन थे, थोड़ा सा बोल वो कौन थे। अल्लाह कह रहे हैं दीन किसका, सहाबा का। इस्लाम किसका, सहाबा का। अल्लाह ने ये नहीं कहा नबी आपके दीन को आप पर पूरा कर दिया। फरमाया अल्यौम अकमलतु लकुम, क्योंकि इससे पहले हज्जतुल वदा के मौका पर नबी अपने सारे दीन की तकमील की गवाही सहाबा से ले चुके थे। फिर सहाबा से लेने के बाद अल्लाह के नबी ने सारा दीन सहाबा के सुपुर्द कर दिया, तो ये आयत नाजिल होके नबी के फैसले की तायीद कर दी। हुजूर जो आपने अपना दीन इन पाक कुद्दूसी सिफात के सुपुर्द किया है, मैं अल्लाह भी ऐलान करता हूं मेरा भी फैसला यही है। दीन सारा इन्हीं के पास है, शरीयत सारी इन्हीं के पास है, इस्लाम सारा इन्हीं के पास है। अगर कोई दीन लेना चाहता है पहले दरे सहाबा का खादी बने, कोई इस्लाम लेना चाहता है पहले दरे सहाबा का खादी बने, कोई दीन और शरीयत को लेना चाहता है पहले सहाबा के दरवाजे पे आए। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती, यही वजह है जो सहाबा को छोड़कर दीन की तरफ गए ना उनका कलमा पूरा हुआ, ना उनकी नमाज पूरी हुई, ना उनकी अजान पूरी हुई, ना उनका वुजू पूरा हुआ, ना उनकी ज़कात पूरी हुई, ना उनकी तरावी पूरी हुई। अलगरज छोटे से बड़ा कोई मसला उनका पूरा नहीं हुआ, इसलिए कि वो गवाहों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। लूमड़ी वो अंगूरों तक जाना चाहती थी लेकिन वो सीढ़ी को हटाती, डायरेक्ट जाना चाहती थी, जब ना पहुंच पड़ी तो गुस्सा तो अंगूरों पर था, गुस्सा तो उससे सीढ़ी पर था कि सीढ़ी लगी नहीं। उसने अंगूरों पर गुस्सा लगा के कहने लगी दी ग्रेप्स आर सोर के अंगूर ही बड़े खट्टे हैं। आज की लूमड़ियां सहाबा को निकाल कर खुद छलांग लगा के इस्लाम तक जाना चाहती, खुद छलांग लगा के दीन तक जाना चाहती, लेकिन सीढ़ी के बगैर तो आगे रसाई नहीं होती। इसलिए कभी तबर्रा उमर पे, कभी तबर्रा अबू सुफियान पे, कभी तबर्रा मीरे मुआविया पे रिजवानुल्लाह तआला अलैहि मजमाई, चाचा पापू ओए लूमड़ी तू जो कुछ भी कर ले तुझे दीन मिलेगा तब। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती, जब तक उनके कदमों में ना आ जा अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने जिनके हाथों में दीन को दे दिया। मेरे नबी का एजाजी शान भी समझ आया। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जो ये कहे उस्ताद जी मैं एमपी हो, एमएनए हो, कोई शेखुल हदीस हो, दुनिया से जब जाता है तो लोग कहते यार बड़ा काम किया बंदे ने, काश थोड़े दिन होर लग जाते और काम करता। कोई ऐलान नहीं कर सका कि मैं जिस काम के लिए आया हूं वो मुकम्मल करके गया, कोई वस्फ उसका मैंने छोड़ा नहीं जो तकमील तक ना पहुंचा हो। आदम से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो भी आए ऐलान ही होता रहा, सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा, अभी आएंगे, अभी शरीयत चल रही है, अभी दीन चल रहा है, तकमील किसी के दौर में ना हुई। ये एजाज मेरे नबी का छठा सिपारा बना रहा बता रहा है अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मेरे नबी जी कामयाब होके गए। हुजूर जिस मिशन के लिए आए वो कामरान होके गए। चनियोट वालों मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरे नबी दुनिया से जब गए कामयाब गए या नाकाम गए, बोले बोले। एक उस्ताद साहब सवा लाख शागिर्दों, कोई शख्स ये कहे सवा लाख शागिर्दों में सिर्फ चार कामयाब है बाकी सारे अलियाज बिला मुर्तादो, शागिर्दों पे बात बाद में है। वो बदबख्त ये कह रहा है कि उस्ताद नाकाम गया है। आज अगर कोई कहे मेरे नबी के जाने के बाद सिर्फ चार सहाबा के बाद बाकी सब मुर्तद हो गए अलियास बिल्ला, कोई ये कहे बाकी सब दीन से फिर गए, वो सहाबा पे तबर्रा नहीं करता, वो मेरे नबी के बारे में कह रहा है कि नाकाम हो के गए। अरे पगले, कुरान मेरे नबी के एजाज को बयान करे कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती, हुजूर आप अपने मिशन में कामयाब हो के गए हैं, आप कामरान हो के गए हैं,
आज का चूड़ा कहे मेरा नबी नाकाम गया, मैं इस चूड़े को नहीं मानूंगा, वही मानूंगा जो अल्लाह का कुरान कहते। बेशुमार निकाते हजफ करके आगे बढ़ता हूं। मैंने सातवें सिपारे को खोला तो सातवां सिपारा मेरे अकीदे की तर्जुमानी यूं करता है, कुल मेरे नबी जी आप ऐलान फरमा दीजिए, ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब वला अकूलु लकुम इन्नी मलक। मैं कहां ये कहता हूं, मेरे नबी जी आप खुद बताएं। अल्लाह जानते थे झगड़ा नबी के बारे में होगा, ये मा काना व मा यकून का इल्म रखते। लोग कहेंगे इन्हें जर्रे जर्रे का इल्म है, लोग कहेंगे सारे गैब के पर्दे मुस्तफा से उठ गए, ये अल्लामुल गयूब भी हैं, ये आलिमुल गैब भी हैं। अल्लाह ने कुरान से कहा मुझसे इख्तलाफ ना करना, प्रोग्राम खत्म हो कहीं से तर्जमे का कुरान उठा लीजिए, सातवां सिपारा सूरह इनाम को पढ़िए, 50 नंबर आयत का सिर्फ तर्जमा पढ़ लीजिए। अल्लाह ने नबी की जुबान से ऐलान करवाया, कुल मेरे नबी जी आप फरमाओ, ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैं नहीं कहता मैं अल्लाह के सारे खजानों का मालिक हूँ, वला अकूल वला आलमुल गैब, मैं ये भी नहीं कहता मैं सारे गैबों को जानने वाला हूँ, वला अकूलु लकुम इन्नी मलक, मैं ये भी नहीं कहता मैं कोई नूरी मखलूक हूँ। मेरे नबी जी फिर आपका ऐलान क्या है, फरमाया मेरा ऐलान ये है मैं तुम्हारी मिसल हूँ, फर्क ये है तुम्हारे पास वही नहीं मेरे पास वही है, तुम आम इंसान हो और मेरे सर पे अल्लाह ने खत्मे नबूवत का ताज सजाया। आठवां सिपारा, बड़ी तेजी से जा रहा वक्त, बड़ी तेजी से जा रहे हैं, मौजू लंबा छेड़ लिए। आठवां सिपारा जरा तू तो बता, तो आठवां सिपारा एक और उनवान को बयान करता है, सीरत तो नबी का क्या खूबसूरत पहरा है। फरमाया ऐलान कर दीजिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। लोगों मोहम्मद का कुर्बानी करना, चूंकि वक्त वो था लोग जानवरों को जबा करते थे, कोई बिस्मिल्लाह के नाम पे छुरी फेरता, कोई उज़्ज़ा के नाम पे जानवरों को कुर्बान करता। फरमाया हबीब आप बताओ, मैं सबसे बड़ा होकर कहता हूं इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरा हाथ बांधना किसी कब्र के लिए नहीं है, मेरा झुकना किसी मिजार के लिए नहीं है, मेरा सजदा करना किसी घोड़े या झंडी के लिए नहीं है, मेरी नमाज मेरा रुकू मेरी नमाज मेरा सुजूद वो मेरे अल्लाह के लिए है, वो नुसुकी वो मैं मोहम्मद का कुर्बानी करना लिल्लाही रब्बिल आलमीन वो रब्बुल आलमीन के लिए है। मैंने नामे सिपारे को खोला, कुरान तू बता, के उनवान कुरान और साहिबे कुरान है, मैं किस किस नुक्ते को खोलूं। जो नामा सिपारा मुझे कहते हैं कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मेरे नबी जी ऐलान कर दो आपसे कबल जितने नबी आए, कोई कौम का नबी कोई कबीले का नबी कोई कुंबे का नबी कोई इलाके का नबी, लेकिन जो मैं आया हूँ मैं कौम का नबी बनकर नहीं आया, कुंबे का नबी बनकर नहीं आया, कबीले का नबी बनकर नहीं आया, बल्कि मैं शमसो कमर का नबी, मैं शजरो हजर का नबी, मैं बर्रो बहर का नबी, मैं शामो सहर का नबी, मैं पर्वत और सहरा का नबी, सूरज सूरज की चमक का नबी, मैं चांद चांद की चांदनी का नबी, सितारों की जगमगाटों का नबी, हवाओं का नबी, फजाओं का नबी, खलाओं का नबी, जमातात का नबी, नबतात का नबी, अशरात का नबी, अर्श का नबी, फर्श का नबी, हत्ता के नबियों का नबी। सितारों से कहो कूच करे खुर्शीद मुनव्वर आते हैं, सितारों से कहो कूच करे खुर्शीद मुनव्वर आते हैं, औरों के पैगंबर आ गए अब सब के पैगंबर आते। दसवां सिपारा तू भी तो कुछ बता, तो दसवें सिपारे ने अजीब मंजर खोल दिया जो थकावटों को दूर करके कहता है इज़ यकूलु लिसाहिबिहि ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। मैं उस गारे हिरावा उस गार वाले के मंजर को क्या बयान करूं जो कुरान ने मंजर खींचा, इज़ यकूलु लिसाहिबिहि, सहाबी सारे हैं लेकिन सहाबियत के लफ्ज के साथ अल्लाह ने जिस जात को याद किया वो सिद्दीक अकबर की हस्ती है, इसलिए कि सहाबी सोहबत से है, अगरचे सबको सोहबत मिली लेकिन जितनी सोहबत आयशा के बाबा को मिली, जितनी रफाकत आयशा को बाबा को मिली, जितनी अजमत सिद्दीक अकबर को मिली, इतनी सोहबत किसी और को नहीं मिली, इसलिए कहा इज़ यकूलु लिसाहिबिही। जब वो अपने सहाबी से कहता था, कोई सुन्नी बरेलवी नहीं, कोई राफजी सुन्नी का मसला नहीं, आप किसी इंसाफ वाले से सवाल कर लीजिए, ये जो कुरान में कहा गया इज़ यकूलु लिसाहिबिही, बताओ इस सहाबी से मुराद कौन है, चाहे काला हो चाहे कोई भी हो। वो कहने
कहने पे मजबूर है, बाबा इससे मुराद सिद्दीक अकबर ही है, क्योंकि गार में कोई और दूसरा नहीं था। अल्लाह ने जमा करके बता दिया, जो गार का साहिब है देख लेना, मिजार का साहिब भी यही होगा, हौज़े कौसर का साथी भी सिद्दीक हो। ग्यारहवें सिपारे कुछ तू तो बता, तो ग्यारहवां सिपारा एक और मंजर बयान करता है, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رذل ہی ہے۔ سکی ماں کے دل میں اولاد کا اتنا جذبہ نہیں جتنا جذبہ محمد کے لیے اپنی امت کا ہے، جس نے غاروں میں امت کو یاد رکھا، مزاروں میں امت کو یاد رکھا، سجدوں میں رو رو کے امت کو یاد رکھا، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے امت کو یاد رکھا، حتی کہ رسول اللہ پہ پہنچے تو السلام علیک ایوہ النبی کے تحفوں میں اپنی امت کو یاد رکھا، اللہم اغفر لی امتی کہہ کے اپنی امت کو یاد رکھا۔ بارہویں سپارے تو بھی مجھے میرے نبی کی شان تو بتا، تو بارہواں سپارہ کہتے کل فاتو بیاشری سواری مثلی مفتریات، حضور یہ آپ کو کہتے یہ قرآن محمد کا اپنا بنایا ہوا ہے، چیلنج تو کرو انہیں کو قرآن جیسی ایک سورت لے کر آؤ، کوئی مقابلہ قرآن جیسا قرآن لے کر آؤ۔ کوئی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا، کہا پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں لے کر آؤ، کوئی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا تو قرآن نے نیچے آ کے کہا فاتو بسورت من مثلی ہی، قرآن جیسی کوئی ایک سورت لے کر آؤ۔ آج تک قرآن کے تینوں چیلنج کھڑے ہیں، کوئی اسے قبول نہ کر سکا۔ میرے نبی کی عظمت کا یہ پہلو مجھے بارہواں سپارہ بیان کرتے کہ قرآن بھی بے عیب ہے، مصطفیٰ بھی بے عیب ہے، قرآن بھی لاجواب ہے، مصطفیٰ بھی لاجواب ہے، قرآن کا مثل کوئی نہیں، مصطفیٰ کا مثل کوئی نہیں، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، صاحب قرآن بھی اللہ کی طرف سے، نہ قرآن جیسی دوسری کتاب ہے، محمد جیسا دوسرا رسول۔ تیرہویں سپارے کچھ تو تو بتا، تو تیرہواں سپارہ اور منظر بیان کرتا ہے، فرمایا قل ہذہ سبیلی ادعو اللہ الا بصیرتی انا ومن اتبعنی، کیا قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں جملہ بولا، میری ماں عائشہ کے جملوں میں جامعیت ہے، بظاہر دو جملوں لفظ ہیں کہ خلوقہ القرآن، حقیقت میں اس کے پیچھے سمندر ہے، پھر وہ سمندر جو باہر بے کنار ہے، جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ حضور نے اپنے مشن کو بیان کیا کہ میں داعی اللہ بن کر آیا ہوں، میرے نبی کی زندگی گواہ ہے۔ نبی کا بچپن دیکھو، بچپن میں نبوت نہیں ملی لیکن اپنے اشاروں میں اللہ کا تعارف بیان کر رہے ہیں۔ سیدہ آمینہ فرماتی ولادت کا پہلا ہی دن تھا، میں نے جب دیکھا کہ پیدا ہوتے ہی میرے لال نے سجدہ کر دیا، اپنی جبیں نیچے رکھ دی، ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ اممہ جان فرماتی میں نے اپنے لال کے کانوں میں ہونٹوں میں اپنا کان رکھا تو آواز آ رہی تھی سبحان اللہ والحمدللہ۔ کثرت ہے نبی کی پوری زندگی میں کہ رب ہو کے، نبی کی زلفوں کے نہیں، نبی کے چہرے کے نہیں، نبی کے سینے کے نہیں، وہ الگ الگ قسمیں تو کھائیں، لا عمرو کا کہہ کے پوری زندگی کی قسم کھائی۔ چنیوٹ والوں کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، پوری زندگی میں کوئی لمحہ ہے جو پیچھے نہ ہو؟ جب میرے نبی صحاب کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں وہ وقت بھی ہے، اللہ کہتے ہیں مجھے اس وقت کی بھی قسم، پوری زندگی میں وہ لمحہ بھی ہے۔ جب حلیمہ کی سواری پہ بیٹھے اللہ کہتے ہیں مجھے اس کی بھی قسم اور وہ لمحہ بھی ہے۔ جب صدیق کے کندھوں پہ بیٹھے اللہ کہتے ہیں مجھے اس کی بھی قسم وہ لمحہ بھی ہے۔ جب صدیق کی گود ریل بن گئی، مصطفیٰ کا چہرہ قرآن بن گیا، صدیق قرآن کو دیکھ دیکھ کے وہ زہا پڑھ رہے تھے، زلفے دیکھ کے وہ لیل پڑھ رہے تھے، سینہ دیکھ کے لمنشرہ پڑھ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے لا عمرو کا، نبی جی آپ کی پوری زندگی کی قسم، نبی کا سر صدیق کے گود میں آئے اس کی بھی قسم، صدیقہ کی گود میں آئے اس کی بھی قسم۔ اور پندرہ سپارے تو قرآن کا نصف ہے، تو قرآن کا آدھا ہے، مجھے بتا میرے نبی کی شان کیا ہے تاکہ قرآن اور صاحب قرآن کی شان سمجھ آئے۔ تو پندرہ سپارے نے تو انتہا کر دی، شروع یہاں سے ہوا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تجھے اللہ نے وہاں تک بلایا۔ کہنے والا اسے یوں تعبیر کرتا ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے وہاں تک بلایا، آج تک کوئی وہاں نہیں جا سکا جہاں تک مصطفیٰ کو اللہ نے بلایا۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ کسی کو بلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس
जगह किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, ला मकाम में भी तू डगमगाया नहीं। अपने पास बुलाने का था मुता, ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता। मेरे हबीब मेरे पास आ, जहां आज तक कोई आया नहीं। मैंने कहा 15 सिपारे कुछ और तो बयान कर, तो 15 सिपारा कहते आसा अयब आसा का रब्बू का मकाम महमूद। ये मकाम महमूद क्या है? मुस्तकिल तकरीर है। मैंने 16 सिपारे से कहा तू मेरे नबी की अजमत को बयान कर, तो 16 सिपारा यूं कहते कुल इन्नमा अना बशरु मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। याद रखो नबी की बशरियत का इनकार ना करना, ये नस्से कती से साबित है। इधर बशरियत का इनकार करते हो, उधर मिलाद की बात करते हो। उधर बशरियत का इनकार है, उधर विलादत का जश्न है। हालांकि पैदा वही होते हैं जो इंसान हो। जब विलादत मानी तो बशरियत तो मान ली, वो अलग बात है। नबी की विलादत तेरी और मेरी जैसी नहीं है। आम बच्चा पैदा हो तो माँ को तकलीफ हो, मोहम्मद पैदा हो तो अम्मा अमीना को कोई तकलीफ नहीं हुई। आम बच्चा पैदा हो तो बदबू निकले, मोहम्मद पैदा हो तो जन्नत की खुशबू ही नहीं। 17 सिपारे तू बताओ, तो 17 सिपारा कहते हैं मैं क्या कहूँ, पीछे क्या रह गया जो बयान ना हुआ हो। मैंने कहा 17 सिपारे आखिर तू भी तो कुरान का पारा है, अपना हिस्सा तो डाल। तो 17 सिपारा कहते हैं मैं वो अजमत बयान करता हूँ जो आदम से ईसा किसी नबी को नहीं मिली। मैंने कहा वो क्या? तो 17 सिपारा कहते हैं वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अब तक जो भी आया रहमतुल लिल आलमीन का लकब सिर्फ मुस्तफा को मिला है। मैंने कहा 18 सिपारे तू मेरे नबी की अजमत को बयान कर ताकि कुरान और साहिब कुरान मुझे समझ आए। तो 18 सिपारा दरसगाह नबूवत का अदब बयान करके कहते हैं ला तजअलू दुआ अर रसूल बैनकुम का दुआ बाज़िकुम बाज़ा बाज़ा। याद रखो जैसे एक दूसरे को आवाज लगा के बुलाते हो, मेरे नबी को नाम लेके नहीं पुकारना। खुद अल्लाह ने कभी या मोहम्मद नहीं कहा, आज तू कैसा आश के रसूल है, या मोहम्मद भी कहते। कुरान कहते जैसे आपस में नाम लेके एक दूसरे को पुकारते हो, कभी मेरे नबी को नाम लेके नहीं पुकारना। खुदा ने कभी नाम नहीं लिया, बल्कि जब भी लिया नबी के औसाफ को बयान किया। कभी ताहा कहा, कभी यासी कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासी कहा। नाम लेके खुदा ने पुकारा नहीं, खुद नबी से ये कह दिया जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। 19 सिपारे जरा कुछ तू भी तो बता। तो 19 सिपारा कहते हैं तबारक अल्लज़ी नज़ल अल-फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल-आलमीन नज़ीरा। नबी के आलमगीर होने को बयान किया, आफाकी होने को बयान किया, नबी की अब्दियत को बयान किया, हुजूर की मसख़त में नबूवत के मसला को बयान किया कि मसनद नबूवत पे हुजूर के आने के बाद कोई और नहीं आ सकता, ये आलमीन के नबी बन कर आए। नबी के मिशन को भी बयान किया, नबी के तारुफ को बयान किया। मैंने कहा 20 सिपारे तू भी तो नबी की शान बयान कर, तो वो जो तेरा अकीदा साफ हो। 20 सिपारा बयान करते इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। मेरी नहीं कंजुल ईमान उठा लेना, इमाम अहमद रजा खान साहब बरेलवी वो अपनी इस तफसीर में इसी आयत के तात लिखते, ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब ख्वाजा अबू तालिब का इंतकाल हुआ। हुजूर बैठे हुए आका जान करे चचा मेरे कान में कलमा पढ़ लो, मैं शाफी ये माशर हूँ, क़यामत में सिफारिश कर दूंगा। नबी चाह रहे हैं, चचे की जुबान पे कलमा नहीं आया, नबी मनवाना चाहते हैं वो नहीं मानना। इसी हालत में इंतकाल हो गया। हुजूर बड़े मखमूम परेशान है, हाय चचा था बड़ा साथ दिया लेकिन कलमे के बगैर दुनिया से चले गए। जब नबी परेशान हो तो याद रखिए शगिर्द की परेशानी के ऊपर तसल्ली उस्ताद देते हैं, मुरीद की परेशानी पे तसल्ली पीर देते हैं, बेटे की परेशानी पे तसल्ली बाप देता है। अगर फर्शों पे परेशान मोहम्मद हो तो तसल्ली अरसों से खुदा देता है। फरमाया इन्नका ला तहदी, हबीब क्यों परेशान होते हो? हिदायत का इख्तियार मैंने आपको दिया ही नहीं, आप उसे हिदायत नहीं दे सकते जिसे आप चाहें। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, हिदायत उसे मिलती है जिसे रब चाहे। आप जिसे मारना चाहते थे मैं उस वाशी को कलमा पढ़ा के आपके कदमों में डालता हूं।
हूँ, और जिसे आप डालना नहीं चाहते थे मैंने उसे कदमों में लाया। नबी जा रहे थे, कलमा जारी हो जाए, उधर जारी नहीं हुआ, इधर कत्ल करना चाहते थे, वाशी कदमों में आया। ये फैसले रब के पास है। कभी आपने मांगा मैंने फौरन दे दिया तब भी मेरी मर्जी, कभी मांगा तो फक्ती तौर पे नहीं दिया ये भी मेरी मर्जी, ताकि चनियोट के लोगों का अकीदा ठीक हो जाए कि सारी कायनात के इख्तियार का मालिक कौन है। मुझे बोले हिदायत इख्तियार किसके पास है। आइए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। कुरान पढ़ते पढ़ते 20वां सिपारा हो गया पूरा, अब मैंने 21वें सिपारे को खोला। वहाँ कुरान साहबे कुरान जरा तू नबी की शान को बयान कर, तो 21वां सिपारा कहते हैं लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। लोगों कामयाबी मोहम्मद के नक्शे कदम में है। नबी की जिंदगी तरह अपनी जिंदगी बनाओ, लिबास इनकी तरह, शक्ल इनकी तरह, खुशी इनकी तरह, गमी इनकी तरह, चेहरा इनकी तरह, अपने अतवार इनकी तरह, आदात इनकी तरह, तब कामयाब हो गए। हुजूर के पीछे क्यों चलूं। फरमाया इंसानी जिंदगी का कोई शोभा ऐसा नहीं जिसमें नबी ने नमूना ना दिया हो। आप बाप हैं, मेरे नबी ने बाप बन के दिखाया। आप उस्ताद हैं, नबी ने उस्ताद बन के दिखाया। आप काजी हैं, नबी ने हजरत अस्वद का फैसला बन करके चीफ जस्टिस बन के दिखाया। आप शोहर हैं, नबी ने शोहर बन के दिखाया। अलगरस हर जिंदगी के शोबे में मेरे नबी ने रहनुमाई की। मैंने कहा 22वें सिपारे जरा तू भी तो बता। हम बड़ी तेजी से कुरान पढ़ रहे तो 22वां सिपारा अजीब मंजर बयान करके कहते माँ का जुमले पे तकरीर है। मैंने कहा 22वें सिपारे थोड़ा सा और बताओ, तो 22वां सिपारा कहते इन अल्लाह व मलाइकातहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीम। मैंने कुरान का 23वां सिपारा खोल लिया। 23वें सिपारे जरा तू भी तो बता। तो 23वें सिपारे ने नबी की बशरियत को क्या बयान, अल्लाह की तौहीद और वहदानियत को किस खूबसूरत पिराए में बयान किया। वही एतराज आज सीरत बिदात मुशरिक शिरक की सूरत बदली है, लेकिन मुशरिक की ज़हनियत नहीं बदली। 1400 साल कबल भी मुशरिक की सोच यही थी, अजअल अल आलिहा इलाहु वाहिदा इन हाजा लशयुन उजाब। ये क्या हो गया, ये कहते हैं कि माबूद एक ही है, ये तो बड़ी अजीब बात है भी, एक खुदा कैसे हो सकता है। आज भी यही कहते हैं भी मुश्किल कुशा एक ही है, ये कैसी अजीब बात है। हाजत रवा एक ही है, ये कैसी अजीब बात है। हमारी इनके आगे, इनकी खुदा की आगे मेरे नबी ने कहा तो लोगों ने ताज्जुब किया, आज जो बंद वालों ने कहा तो लोगों ने ताज्जुब किया। कुरान मुझे आगे बता, मैंने 24वें सिपारे को पढ़ा तो 24वां सिपारा यूं कहते कुल अफा गैर अल्लाह तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून। ऐ जाहिलो, ऐ नवाकिफो, क्या मुझे कहते हो मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और की परस्तश करूं। तुम्हें तुम्हारी जहालत मुबारक हो, मैं तो इल्म की रोशनी लेकर आया हूं। और इल्म बताता है जिसने कायनात को बनाया, जिसने कायनात को सजाया, तेरे सजदे का हक भी वही रखते है, तेरी मदद का हक भी वही रखते है। वाइजस्तान था फस्ताइन बिल्ला, जब भी मांग हमेशा खुदा से मांग। मैंने कुरान करीम के 25वें सिपारे से कहा जरा तू मुझे नबी की शान बयान कर, तो 25वें सिपारे ने एक उसूल बयान किया। जाते जाते इस उसूल को समझ लीजिए। फरमाए अम लहुम शुरका शराउ लहुम मिन दीन मालम याजम बिहिल्ला। लोगों को किसने इजाजत दी है कि जिसका मर्जी दिल करे, जिसकी मर्जी सोच आए, जिस तरह का मर्जी काम बना के शरीयत बना दे। कभी वो काबातुल्ला का मॉडल बनाए कहे ये भी दीन है, कभी रोजी के रोजे का मॉडल बनाए कहे ये भी दीन है, कभी फोतियों के बाद तीसरे का मसला, कभी सातवें का मसला, कभी 40वें मसले का। अम लहुम शुरका शराउ लहुम मिन दीन, क्या इनके पास कोई शुरका है जो अल्लाह की खुदाई में शरीक हूँ और अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया हो कि मैं भी शरीयत बताता हूँ, तुम मेरे शरीक हो तुम भी शरीयत बताओ। फरमाया ऐसा हर
हरगिज नहीं। अल्लाह की खुदाई में शरीक कोई नहीं, तो अल्लाह की शरीयत में भी अल्लाह के अलावा, अल्लाह के नबी के अलावा कि और शरीयत को नहीं बना सकता। मैंने कहा 26वें सिपारे जरा तू तो बता, तो 26वें सिपारे ने तो इंतहा कर दी। कभी कहते लकद रजी अल्लाह अनिल मुमिनीना इज युबायूनक तहत शजरा, जो नबी के हाथों में हाथ दे रहे हैं, रब अजर से ऐलान करके कहते हैं कच्ची पक्की बात नहीं, पक्की बात है, ये रब से राजी, रब इनसे राजी हो गया। मैंने कहा कुछ और बताओ, तो 26वां सिपारा ये भी कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लजीन माहु अशिद्दाउ अल कुफार रुहमाउ बैनहु। मैंने कहा जरा और बताओ, तो 26वां सिपारा कहते हैं या अय्युहल्लजीन आमनु ला तरफउ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, खबरदार जहां पे नबी हो नबी से अपनी आवाज को ऊंचा ना करना, तू अजीब आदमी है। ये कहते हैं नबी यहां है, फिर ऊंचा ऊंचा बोलते, कहते हैं हुजूर भी मौजूद है, दम बदम पढ़ो दुरूद, हजरत भी हैं यहां मौजूद, हजरत को मौजूद करके मुसल्ले पे खुद चला जाते, हजरत को मौजूद लाके खुद आगे बढ़ जाते। नबी के होते हुए आदम से ईसा कोई आगे ना जा सका, तेरी पता नहीं क्या शान है, तू नबी को बिठाता भी है, ऊंचा ऊंचा बोलता भी है, अल्लाह ने अदब बयान किया, खबरदार मेरे नबी का मकाम ये है, इनकी आवाज से ऊंची आवाज ना करना, वगरना होगा क्या, अंता पता मालूकुम वान तुम लाता शुरू। याद रखो अगर नबी की भी अदबी एक होगी, एक भी अदबी की वजह से सारी जिंदगी की नमाजें जाया, एक भी अदबी की वजह से सारी जिंदगी के हज जाया, मालूम हुआ अमल छोटा है मुस्तफा का अदब बड़ा है। आओ बातों किनारे पे लगाएं। मैंने 27वें सिपारे से कहा मैं भी थक गया हूं, 27वें सिपारे तू भी बता, तो 27वां सिपारा कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, थोड़ा ऊंची कह दो। देखो पूरे कुरान की सैर करवाई मैंने आपको, बिदार आपको मजबूर नहीं किया, आप थोड़ा सा आप दीवाना बन के कह दे, अल्लाह करे जैसे उसके अमली वाले के नाम लेने से दुनिया में इज्जत है, हशर में भी उसके हाँ सुरखुरू हो सके। ऊंची बात से कहें जरा, 27वां सिपारा कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा। नबी का मकाम बता दिया, नबी वो होता है जिसकी जुबान पे खुदा का पहरा, जिसके कदमों पे खुदा का पहरा, और जिसकी जुबाइयां काइयां कलाइयां पलट जाए, जो कभी झूठ बोले, कभी कुछ कहे, कभी कुछ कहे, वो काना दज्जाल हो सकता है। नबी नबी लिसाने नबूवत का हर फैसला सच्चा होता है, नबी फैसला करके कहें इसका पहला नंबर, तो ये भी सच्चा। नबी फैसला करके कहे मेरी फातिमा के निकाहों के गवाह ये हैं, तो नबी का ये फैसला सच्चा है। वमाई अंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाहयू युहा, बड़ी तकरीर हो सकती है। मैंने कहा थोड़ा सा और बता, तो 27वां सिपारा मुझे इश्क के अंदाज में कहते फकान कावा कौसैन औ अदना फौहा इला बिही माउहा, इतना करीब पहुंचे, इतना करीब पहुंचे कि वहां खुदा था या मुस्तफा था। मैंने कहा 28वें सिपारे बात खत्म करें, कुछ तू भी मेरे नबी की शान को बयान कर, तो 28वां सिपारा कहते हैं मा आताकुमुर रसूल फखुजूहू वमा नहाकुम अनहु फंतहूहू, जो नबी दे उसे ले लो यही ईमान है, जिससे नबी रोके उससे रुक जाओ। हमारे उलमा इसे यूं ताबीर करते हैं, वो भी इस आयत में दाखिल है, नबी जो दे और जितना दे, जो कलमा दे जितना कलमा दे, जो अजान दे जितनी अजान दे, जो नमाज दे जितनी नमाजें दे, जो तरीका दे जितना तरीका दे, जो तरावी दे जितनी तरावी दे, जो वुजू दे जिस तरह का वुजू दे, नबी जो दे उसे ले लो, जिससे नबी रोके बरादरी नाराज होती हो जाए, दोस्त नाराज होते हो जाए, गुम्बद खजरा का वाली नाराज ना हो। मैंने कहा 29वें सिपारा तू भी तो नबी की शान को बयान कर, तो 29वां सिपारा कहता नून والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون, ये बकवास करते हैं कि नबी मजनून है, मैं खुदा गवाही देता हूं तू मजनून नहीं, तू सबसे ज्यादा अकलमंद है। मैंने कहा कुछ और बता, तो 29वां सिपारा कहते हैं انك لالا خلق عظيم, मैंने कहा कुछ और बता, तो 29वां सिपारा कहते हैं या ايها المدثر, मैंने कहा कुछ और बता, तो 29वां सिपारा कहते हैं या ايها المزمل, आओ गल मुकदी मकाइए। मैंने 30वां सिपारा खोला, तो 30वां सिपारा तू बता, तो कहते हैं वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, मैंने कहा कुछ और बता, कहते हैं वलल आखिरतु खैरुल लक मिन उला, मैंने कहा कुछ ऐसी बात बता कि सारी तकरीर बंद हो जाए, नबी की शान सबसे बुलंद हो जाए, तो कहा वरफाना लक ज़िक्रा का। कुरान और साहिबे को
कुरान और साहबे कुरान, इसलिए रस किया कुरान से ज्यादा मुस्तफा की अजमत को कोई बयान नहीं कर सकता। अब उलमाए देवबंद के स्टेज से आपको सबक ये है, मुस्तफा की अजमत को पढ़ना हो तो ढोल की तप तप पे नाचने की जरूरत नहीं। बोलो, आजकल तो बड़े बड़े दे केस आ गए ना, बाहर जाकर लड़ाई कर दे बेने। नाचने की जरूरत है, डांस करने की जरूरत है। लड़कियों लड़के हाथों में हाथ डाल के क्या तूफान है बदतमीजी, इसका नाम इश्क है। अफसोस ये है कि जो बंदा बात समझाने की कोशिश करे सौखे गल है भाभी जो है, जो मुनकर जो है ना कड़ा मानना है, कोई अकलमंद इंसान समझ सकता है? आप इतना बड़ा मजमा बैठे हुए, किसी समझदार बंदे से पूछ लो आज से 30-35 साल पहले ये चीजें थी। जिस बंदे ने लकड़ी का रोजा बनाया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, यहां पता नहीं बनता है। पिछले दिनों में नारोवाल में प्रोग्राम था, वापस आ रहे थे तो बाजार के अंदर यही तकरीबन वक्त था, रात के 12 के करीब, आगे पीछे यकीन जाने रात को यूं था जैसे दिन चढ़ा, इतनी लाइटिंग, सबज चाय और नौजवान लड़कियों लड़के नाइट क्लब मना रहे। और आगे बात शर्म वाली है, आगे आप समझ जाते हैं। ये कसूर इन मुल्लाओं का, जिन्होंने कहा मिंबरों पे खड़े होकर इसे धूमधाम से मचाओ, सुवाय इबलीस के सब खुश। अलियाज बिल्ला माज, हमारा अकीदा है नबी के आने की जिसकी खुशी नहीं वो कायनात का बदतरीन वो लानती है, क्योंकि नबी के आने की खुशी है कि नहीं? बोलो भाई, हुजूर के आने से कुरान आया हमें खुशी है, नबी के आने से तौहीद मिली हमें खुशी है, नबी के आने से रिसालत मिली, नबी के आने से खुदा का पता मिला। आओ दोस्तों, इन नफरतों से हटकर वो मंजर के लकड़ी का रोजा रसूल बनाया जाए। आपको पता है रोजे में कौन है? गुंबदे खजरा में मेरा नबी सोया हुआ है, और रोजे को हमने आम समझ लिया। 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 शाम को सलाम के लिए आए, और जो एक दफा आए क्यामत तक दोबारा उसकी बारी ना आए। वो नबी का रोजा जहां नूरी जाने के लिए तरसे, वो नबी का रोजा जो मोमिनों के ईमानों का मरकज है, जो शिफाओं का मरकज है, जो एक दुखी दिलों का मदावा है, उस रोजे को गलियों में बनाया। और कल गुजरने के बाद उस शाख के मुस्तफा ने उसी लकड़ी को तोड़ा, और तोड़ के अपने चूल्हे में लकड़ी में आग जला ली। ये इश्क है। आओ अपने अपने तरीकों से हटकर फत्ताबीउनी नबी के तरीके पे चले। आओ दोस्तों, एक काम करें, हुजूर की सीरत को सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का इहतमाम करें। आखिर दावा भाई, दुआ तो पहले एक छोटा जा ऐलान सुन लो। माशाल्लाह तुम थके बैठे हो, 14 अक्टूबर बरोज़ अफ्ताह बाद नमाज मगरब जना कलोनी पंगू मोड़ के अंदर एक बहुत बड़ी अजीम शान सीरत नबी कॉन्फ्रेंस हो रही है। साढ़े मुल्क की बड़ी अजीम रूहानी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब लाहौर तो तशरीफ ले आ रहे हैं, और बहुत दीगर हजरात भी कराची तो, और मुख्तलिफ मौलाना साद